सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस वीक का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है क्राउन जूल से पहले का आखिरी रॉ, यानी कि यहाँ पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है और WWE इन्हें ऑलरेडी अभी से ही कई सारी चीजें कर दी है ऑफिशियल, जैसे कि हमें रोमन रेंस देखने को मिलने वाले, ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वह द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। आप सबको पता ही है, एक रॉ के एपिसोड को अगर कोई मिस करता है तो WWE उसे रिटर्न कर एडवर्टाइज करती है। बट हाँ, आप सब जानते ही हो, जब ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिला था, देन उन्होंने बॉबी लेस्ली पर काफी बुरी तरह से अटैक किया था, जिसकी वजह से बॉबी लेस्ली अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीक के रॉ में हमें बॉबी लेस्ली काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिले एंड उन्होंने काफी बुरी तरह से अटैक किया ब्रॉक लेसनर पर। बट हाँ, इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर आने वाले और WWE ऐसा कुछ कर एडवर्टाइज भी कर रही है कि हमें कुछ मैसिव चीज देखने को मिलने वाली है ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लेस्ली के बीच, देन आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब क्राउन जूल से पहले का ये आखिरी रॉ होने वाला है तो इनके मैच से पहले हमें एक और बार इनके बीच ब्रॉल देखने को मिल सकता है। एक बार तो अपर हैंड मिला है ब्रॉक लेसनर को, एक बार बॉबी लेस्ली को। लेट्स सी, जब थर्ड टाइम इनका ब्रॉल होता है इस वीक के रॉ में तो किसे अपर हैंड मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है किसे अपर हैंड मिलने वाला है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है एक ट्रिक एंड स्ट्रेट फाइट मैट रिडल वर्सेस ओटिस के बीच। सो जैसा कि इस वीक का रॉ हेलोवीन स्पेशल होने वाला है तो WWE ने इसलिए इस मैच में इस स्टिपुलेशन को रखा है एंड चांसेस अच्छे खासे यहां पर आप सबको जीत होते हुए दिखने वाली है मैट रिडल की। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है बियंका बेलेयर वर्सेस निकी क्रॉस के बीच। तो आप सब जानते ही हो, लास्ट वीक के रॉ में हमें निकी क्रॉस का रिटर्न देखने को मिला था, जहां पर उनकी वजह से बियंका बेलेयर हार जाती है मैच को। और इस वीक के रॉ में बियंका बेलेयर के पास मौका है निकी क्रॉस से बदला लेने का, वहीं आप सबको पता ही है हमें क्राउन जूल के पेपर व्यू में बेली वर्सेस बियंका बेलेयर के बीच एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलने वाला है। तो चांसेस अच्छे खासे हैं इस मैच में आप सबको बेली की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सेथ फ्रिकन रॉलिंस के बारे में, देन अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया कि इस वीक के रॉ में आप सबको सेथ रॉलिंस का एक न्यू लुक देखने को मिल सकता है, बिकॉज सेमस के वेडिंग में वो हमें अपने ब्लैक एंड गोल्ड हेयर के साथ देखने को मिले थे। अब ये भी हो सकता है ये सिर्फ उन्होंने सेमस के वेडिंग के लिए करवाया हो, यानी कि टेम्पररी हो। इस वीक के रॉ में वो हमें नॉर्मली देखने को मिले अपने फुल ब्लैक हेयर के साथ, इसलिए इस चीज के लिए तो फैंस एक्साइटेड है कि सेथ रॉलिंस का इस वीक के रॉ में किस तरह का लुक होने वाला है। वहीं आप सबको पता ही है लास्ट वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस की वजह से मुस्तफा अली हार जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी से, उसके बाद इनके बीच हमें एक ब्रॉल देखने को मिला और जो पहले देखकर लग रहा था कि शायद से इसमें अलायंस एंड मैट रिडल भी इन्वॉल्व रहने वाले और हमें एक फैटल फोर वे मैच देखने को मिल सकता है। बट अब WWE ने शायद से अपने प्लान में कर दिए चेंजेस एंड अली और सेथ रॉलिंस का अभी हमें सिंगल्स फ्यूड ही देखने को मिलने वाला है और पॉसिबली इस वीक के रॉ में इन दोनों का मैच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हमें ऑफिशियल होते हुए दिख सकता है क्राउन जूल के पेपर व्यू के लिए। सो इस वीक के रॉ में आप सबको मुस्तफा अली सेथ रॉलिंस पर अटैक कर चैंपियनशिप रेस कर बता सकते हैं कि वो बनने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन क्राउन जूल के पेपर व्यू में। इसके अलावा आप सब जानते हो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ओमोस का मैच हमें देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल के पेपर व्यू में और लास्ट स्मैकडाउन में। इनके बीच हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, वही आप सब जानते हो ओमोस है रॉ के सुपरस्टार और उनका डिस्ट्रक्शन अभी हमें रॉ में देखने को मिल रहा है। तो मे बी हमें ब्रॉन स्ट्रोमन इस वीक के रॉ को इन्वेट करते हुए दिख सकते हैं एंड वो आकर अटैक करते हुए दिख सकते हैं हमें ओमोस पर, बिकॉज ओमोस ने स्मैकडाउन में पुश किया था ब्रॉन स्ट्रोमन को, तो उसका बदला जरूर से ब्रॉन स्ट्रोमन इस वीक के रॉ में लेना चाहेंगे। वही जजमेंट डे एंड ओसी का मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल के पेपर व्यू में। फैंस अभी उतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस चीज के लिए, देखते इस वीक के रॉ में जब WWE के पास आखिरी मौका होने वाला है इस मैच के लिए हाइप क्रिएट करने का, तो वहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और फाइनली जिस चीज को WWE ने इस वीक के रॉ के लिए कर दिया है ऑफिशियल, वो है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का रिटर्न। तो आप सब जानते हो रोमन रेंस हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिले थे, जहां पर उनका हमें ब्लड लाइन के साथ ही सीन देखने को मिला था। लेकिन आप सब जानते ही हो रोमन रेंस एंड लोगन पॉल का मैच हमें क्राउन जूल के पेपर व्यू में देखने को मिलने वाला, बट अभी तक लोगन पॉल एंड रोमन रेंस एक बार ही आमने सामने आए एंड इनके बीच हमें एक बार भी ब्रॉल देखने को नहीं मिला है। और आप सबको पता ही है इस वीक का स्मैकडाउन WWE ने ऑलरेडी टेप कर लिया, तो आप सभी के लिए एक स्पॉइलर है, रोमन रेंस इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रिंग में देखने को नहीं मिले, यानी कि उनका हो सकता है WWE ने कोई बैक स्टेज सेगमेंट टेप कर लिया या फिर वो हमें इस वीक के स्मैकडाउन में ही देखने को ना मिले, यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि लोगन पॉल एंड रोमन रेंस का आप सबको ब्रॉल वगैरह कुछ देखने को नहीं मिला इस वीक के स्मैकडाउन में। लेकिन हाँ,
इस वीक का रॉ जब होने वाला है क्राउन जूल से पहले का आखिरी रॉ एंड रोमन रेंस जब इस वीक के रॉ में आ रहे हैं, देन जरूर से आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनका कुछ हमें सीन देखने को मिल सकता है लोगन पॉल के साथ। यानी कि लोगन पॉल भी आप सबको रॉ में देखने को मिल सकते हैं और इनके बीच हमें एक ब्रॉल देखने को मिल सकता है जहां पर लोगन पॉल अटैक करने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस पर, या फिर रोमन रेंस हमें ब्लड लाइन के साथ मिलकर काफी बुरी तरह से अटैक करते हुए दिख जाए लोगन पॉल पर। यानी कि पहले जब रोमन रेंस रॉ में आते थे तो उनका कुछ अलग ही सीन रहता था, उनका सिर्फ हमें प्रोमो देखने को मिलता था या फिर उनका कोई रैंडम सा सेगमेंट देखने को मिलता था। बट इस वीक के रॉ में आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके स्टोरी लाइन से रिलेटेड ही चीजें आप सबको रॉ में देखने को मिलने वाली है, एंड लोगन पॉल और रोमन रेंस के बीच आप सबको देखने को मिल सकता है एक काफी जबरदस्त ब्रॉल। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो इस वीक का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है क्राउन जूल से पहले का आखिरी रॉ। यानी कि यहाँ पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है और WWE ने ऑलरेडी अभी से ही कई सारी चीजें कर दी है ऑफिशियल, जैसे कि हमें रोमन रेंस देखने को मिलने वाले, ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। आप सबको पता ही है एक रॉ के एपिसोड को अगर कोई मिस करता है तो WWE उसे रिटर्न कर एडवर्टाइज करती है। बट हां, आप सब जानते ही हो जब ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिला था, देन उन्होंने बॉबी लेस्ली पर काफी बुरी तरह से अटैक किया था जिसकी वजह से बॉबी लेस्ली अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीक के रॉ में हमें बॉबी लेस्ली काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिले एंड उन्होंने काफी बुरी तरह से अटैक किया ब्रॉक लेसनर पर। बट हां, इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर आने वाले और WWE ऐसा कुछ कर एडवर्टाइज भी कर रही है कि हमें कुछ मैसिव चीज देखने को मिलने वाली है ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लेस्ली के बीच, देन आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब क्राउन जूल से पहले का ये आखिरी रॉ होने वाला है तो इनके मैच से पहले हमें एक और बार इनके बीच ब्रॉल देखने को मिल सकता है। एक बार तो अपर हैंड मिला है ब्रॉक लेसनर को, एक बार बॉबी लेस्ली को। लेट्स सी जब थर्ड टाइम इनका ब्रॉल होता है इस वीक के रॉ में तो किसे अपर हैंड मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है किसे अपर हैंड मिलने वाला है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल वो है एक ट्रिक एंड स्ट्रेट फाइट मैट रिडल वर्सेस ओटिस के बीच। सो जैसा कि इस वीक का रॉ हेलोवीन स्पेशल होने वाला है तो WWE ने इसलिए इस मैच में इस स्टिपुलेशन को रखा है एंड चांसेस अच्छे खासे यहाँ पर आप सबको जीत होते हुए दिखने वाली है मैट रिडल की। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है बियंका बेलेर वर्सेस निकी क्रॉस के बीच। तो आप सब जानते ही हो लास्ट वीक के रॉ में हमें निकी क्रॉस का रिटर्न देखने को मिला था जहां पर उनकी वजह से बियंका बेलेर हार जाती है मैच को, और इस वीक के रॉ में बियंका बेलेर के पास मौका है निकी क्रॉस से बदला लेने का। वहीं आप सबको पता ही है हमें क्राउन जूल के पेपर व्यू में बेली वर्सेस बियंका बेलेर के बीच एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलने वाला है। तो चांसेस अच्छे खासे हैं इस मैच में आप सबको बेली की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में, देन अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया कि इस वीक के रॉ में आप सबको सेथ रॉलिंस का एक न्यू लुक देखने को मिल सकता है बिकॉज सेमस के वेडिंग में वो हमें अपने ब्लैक एंड गोल्ड हेयर के साथ देखने को मिले थे। अब ये भी हो सकता है ये सिर्फ उन्होंने सेमस के वेडिंग के लिए करवाया हो, यानी कि टेम्पररी हो। इस वीक के रॉ में वो हमें नॉर्मली देखने को मिले अपने फुल ब्लैक हेयर के साथ, इसलिए इस चीज के लिए तो फैंस एक्साइटेड है कि सेथ रॉलिंस का इस वीक के रॉ में किस तरह का लुक होने वाला है। वहीं आप सबको पता ही है लास्ट वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस की वजह से मुस्तफा अली हार जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी से, उसके बाद इनके बीच हमें एक ब्रॉल देखने को मिला और जो पहले देखकर लग रहा था कि शायद से इसमें अलायंस एंड मैट रिडल भी इन्वॉल्व रहने वाले और हमें एक फाइटल फोर वे मैच देखने को मिल सकता। बट अब WWE ने शायद से अपने प्लान में कर दिए चेंजेस एंड अली और सेथ रॉलिंस का अभी हमें सिंगल्स फ्यूड देखने को मिलने वाला है और पॉसिबली इस वीक के रॉ में इन दोनों का मैच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हमें ऑफिशियल होते हुए दिख सकता है क्राउन जूल के पेपर व्यू के लिए। सो इस वीक के रॉ में आप सबको मुस्तफा अली सेथ रॉलिंस पर अटैक कर चैंपियनशिप रेस कर बता सकते हैं कि वो बनने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन क्राउन जूल के पेपर व्यू में। इसके अलावा आप सब जानते हो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ओमोस का मैच हमें देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल के पेपर व्यू में और लास्ट स्मैकडाउन में। इनके बीच हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। वही आप सब जानते हो ओमोस है रॉ के सुपरस्टार और उनका डिस्ट्रक्शन अभी हमें रॉ में देखने को मिल रहा है, तो मे बी हमें ब्रॉन स्ट्रोमन इस वीक के रॉ को इन्वाइट करते हुए दिख सकते हैं एंड वो आकर अटैक करते हुए दिख सकते हैं हमें ओमोस
ओमोस पर, बिकॉज ओमोस ने स्मैकडाउन में पुश किया था ब्रॉन स्ट्रोमन को, तो उसका बदला जरूर से ब्रॉन स्ट्रोमन इस वीक के रॉ में लेना चाहेंगे। वही जजमेंट डे एंड ओसी का मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल के पे पर व्यू में। फैंस अभी उतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस चीज के लिए, देखते इस वीक के रॉ में जब WWE के पास आखिरी मौका होने वाला है इस मैच के लिए हाइप क्रिएट करने का, तो वहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और फाइनली जिस चीज को WWE ने इस वीक के रॉ क्लिक कर दिया है ऑफिशियल, वो है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का रिटर्न। तो आप सब जानते हो रोमन रेंस हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिले थे, जहां पर उनका हमें ब्लड लाइन के साथ ही सीन देखने को मिला था। लेकिन आप सब जानते ही हो रोमन रेंस एंड लोगन पॉल का मैच हमें क्राउन जूल के पेपर व्यू में देखने को मिलने वाला, बट अभी तक लोगन पॉल एंड रोमन रेंस एक बार ही आमने सामने आए एंड इनके बीच हमें एक बार भी ब्रॉल देखने को नहीं मिला है। और आप सबको पता ही है इस वीक का स्मैकडाउन WWE ने ऑलरेडी टेप कर लिया, तो आप सभी के लिए एक स्पॉइलर है, रोमन रेंस इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रिंग में देखने को नहीं मिले, यानी कि उनका हो सकता है WWE ने कोई बैकस्टेज सेगमेंट टेप कर लिया, या फिर वो हमें इस वीक के स्मैकडाउन में ही देखने को ना मिले। यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि लोगन पॉल एंड रोमन रेंस का आप सबको ब्रॉल वगैरह कुछ देखने को नहीं मिला इस वीक के स्मैकडाउन में। लेकिन हाँ, इस वीक का रॉ जब होने वाला है क्राउन जूल से पहले का आखिरी रॉ एंड रोमन रेंस जब इस वीक के रॉ में आ रहे हैं, देन जरूर से आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनका कुछ हमें सीन देखने को मिल सकता है लोगन पॉल के साथ। यानी कि लोगन पॉल भी आप सबको रॉ में देखने को मिल सकते हैं और इनके बीच हमें एक ब्रॉल देखने को मिल सकता है, जहां पर लोगन पॉल अटैक करने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस पर, या फिर रोमन रेंस हमें ब्लड लाइन के साथ मिलकर काफी बुरी तरह से अटैक करते हुए दिख जाए लोगन पॉल पर। यानी कि पहले जब रोमन रेंस रॉ में आते थे तो उनका कुछ अलग ही सीन रहता था, उनका सिर्फ हमें प्रोमो देखने को मिलता था या फिर उनका कोई रैंडम सा सेगमेंट देखने को मिलता था, बट इस वीक के रॉ में आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके स्टोरी लाइन से रिलेटेड ही चीजें आप सबको रॉ में देखने को मिलने वाली है एंड लोगन पॉल और रोमन रेंस के बीच आप सबको देखने को मिल सकता है एक काफी जबरदस्त ब्रॉल। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।